हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धनदेसी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गाइज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियो रिलेटेड टू दिस। दोस्तों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग इंग्लिश जो है बोलने के लिए सीखना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इसके लिए बहुत सारे क्लास वगैरह हम लोग ज्वाइन करते हैं ताकि हम लोग कुछ इंग्लिश सीख सकें। तो मैं सबसे पहले जो आपको जो एक बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ जो आप लोगों के इंग्लिश बोलने में जो है काफ़ी काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जीवन, ठीक है, सबसे पहले हम कुछ बोलना चाहते हैं तो शुरुआत हम लोग कहाँ से होती है? नाइट में सो जाते हैं तो कुछ भी नहीं, किसी से बोलना नहीं, किसी को बात करना नहीं। तो स्टार्ट कब से बोलना होता है? सुबह से। जैसे हम लोग जगते हैं, जैसे कोई वॉक करना स्टार्ट करते हैं तो उस समय से हम लोग क्या होता है कि बोलना स्टार्ट होता है। या तो जो जिस लैंग्वेज में आप बोलते हैं, हिंदी, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज हो आपका, वो अपना लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआती मेरा होता है सुबह से। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम लोग सुबह जगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का बोलना स्टार्ट होता है। तो जैसे हम मान लीजिए कि सुबह उठ के 6 बजे, ठीक है, क्या कहते हैं, समझता मतलब हम लोग 6 बजे उठते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं 6 बजे उठता हूँ तो इसको मैं किस तरह इंग्लिश में किसी को बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है। जैसे आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM वीक डेज, मतलब कि सप्ताह के हम जो है लगभग 6 बजे जो है हम क्या करते हैं, जग जाते हैं। इस तरह से नॉर्मली बोलने का दिखे 6 बजे क्या करते हैं। वीक डेज का मतलब होता है क्या कि सप्ताह में 7 डेज होते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक जो होता है इसको वीक डेज बोलते हैं, और सैटरडे और संडे जो हुआ आपका उसको वीकेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वीक डेज मतलब कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग, मैं कितना बजे उठता हूँ, 6 बजे। नॉर्मली अपने बारे में बता रहा हूँ, आप अपने अगर आप 7 बजे या तो 4 बजे या तो 5 बजे अगर जगते हैं तो आप बोल सकते हैं आई यूजुअली वेक अप एट 4 AM वीक डेज, ठीक है। अगर आप सब मतलब प्रत्येक दिन 7 बजे ही मतलब 4 बजे ही जगते हैं तो बोल देना है आई एम यूजुअली वेक अप एट 4 AM, ओके, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड। जैसे ये पहला हुआ कि हम लोग जब जगते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद मान लीजिए कि सप्ताह का जो बताए हम मंडे टू फ्राइडे कितना बजे बताए, 6 बजे बताए, तो अब फिर मेरा है सैटरडे और संडे, इस दिन को हम कितना बजे जगते हैं, इसमें बोलेंगे आई वेक अप एट 8 AM ऑन वीकेंड्स, ठीक है, 8 AM ऑन वीकेंड्स, मतलब वीकेंड्स में जो है हम 2 घंटा लेट से जगते हैं, क्योंकि हो सकता है उस समय मेरा कुछ छुट्टी रहे, या तो फिर जैसे मेरा संडे या तो सैटरडे को कुछ छुट्टी रहे, सुबह काम नहीं हो, तो हम क्या करते हैं लेट से जगते हैं, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद क्या होता है कि नॉर्मली देखिए सभी आदमियों का आदत रहता है कि अगर आप जग गए, ठीक है, तो जगने के बाद क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली बेड पे सोए रहते हैं, थोड़ा सा फेसबुक चला लिए, थोड़ा सा व्हाट्सअप चेक कर लिए, मतलब इस तरह से कुछ हम लोग क्या करते हैं देखते चेक कर लेते हैं। तो क्या करो उसमें से 10-15 मिनट लग जाता है, या तो फिर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, कुछ देख रहे हैं इधर उधर, ठीक है। तो उसमें बोला है जैसे ऑन्स आई वेक अप आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 15 मिनट्स बिफोर आई गेट अप, ठीक है। इसमें ऑन्स आई वेक मतलब कि जब मैं जगता हूँ आई स्टे इन द बेड फॉर अबाउट 15 मिनट्स बिफोर आई गेट अप, मतलब मेरे जगने से पहले जो है, मतलब बेड को छोड़ने से पहले हम लगभग कितना 15 मिनट तक उसमें लेटे हुए रहते हैं, या तो फिर कुछ व्हाट्सअप चला लिए, फेसबुक, या तो फिर दोस्तों से कॉल वगैरह में कुछ बात कर लिए, इस तरह का ये सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, फिर अब देखो उससे आगे जो वर्क करते हैं, उसके बाद जैसे हम बेड अपना छोड़े तो क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, ठीक है, फेस वॉश करेंगे, ठीक है ना, यही है। तो इसका देखिए क्या बोलना है हम लोग, जैसे किसी को बताना है, ये सब चीज़ आपका काम आएगा। जैसे कोई इंट्रोडक्शन ले लिया, बोले आप अपने बारे में कुछ सुबह का कुछ रूटीन आप बताइए, आप क्या क्या करते हैं, आपको इंग्लिश में बताना है तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको नॉर्मली इस तरह से बोलना पड़ेगा। ये सब आपके लिए कुछ उनकी बेसिक चीज़ है, आप लोग एक दो बार देखिए बस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देन फाइनली आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ, देन फाइनली आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ, उसके बाद जो है फाइनली मैं क्या करता हूँ, बेड छोड़ने के बाद मैं अपना फेस वॉश करता हूँ और क्या करता हूँ, दांत साफ करता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद फिर मेरा क्या होता है, फेस का वॉश कर लिए, फिर हम लोग दांत कर लिए, तो क्या करते हैं नॉर्मली स्नान करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं हम लोग, बात करने जाते हैं। तो आफ्टर दैट आई टेक और शॉवर,
ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद आई टेक अ शॉवर या तो फिर हैव अ शॉवर बोल सकते हैं, शॉवर एस एच ओ डब्ल्यू शॉवर जो इसका मतलब होता है क्या, बाथ, ठीक है, स्नान करना, ठीक है ना, तो शॉवर बोल सकते हैं। आफ्टर दैट आई टेक अ शॉवर या तो इसको आप बोल सकते हैं और मतलब कि अथवा बोल सकते कुछ कि हैव अ शॉवर, आफ्टर दैट आई हैव अ शॉवर, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद स्नान हम कर लिए, आप भी स्नान कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद नॉर्मली हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद स्नान करने वाले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बाल जैसे कि गीला हो गया स्नान के, तो बाल गीला हो गया तो क्या करते हैं, मतलब ऐसे करके झाड़ देते हैं, पूरा साफ कर सुखा देते हैं उसको, उसमें कॉम्ब कर देते हैं, उसको बाल को डिजाइन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हीरो लगे देखने में, ठीक है ना, जो सब कोई करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे, ठीक है। तो आफ्टर उसके बाद क्या करना है, देन आई ड्राई माई हेयर एंड कॉम्ब माई हेयर, अब ड्राई माई हेयर इसको सोचे, आफ्टर दैट आई ड्राई एंड कॉम्ब माई हेयर, ठीक है, माई हेयर दो बार जो यूज करना सही नहीं होगा, इसलिए देन आई ड्राई एंड कॉम्ब माई हेयर या तो आफ्टर दैट आई ड्राई एंड कॉम्ब माई हेयर, ठीक है, आफ्टर मतलब इसके बाद या तो देन तब, ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो सेंटेंस आपको अच्छा लगे जिस तरह से तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देन आई ड्राई एंड कॉम्ब माई हेयर, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बाल को सुखा लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, उसको कॉम्ब कर लेता हूँ, मतलब कंघी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा क्या होता है, कंघी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ खाना पीना हो जाए, खाना पीना मतलब क्या कि हम लोग कुछ मील तो नहीं करते, मतलब कि नाश्ता करते हैं सुबह के टाइमिंग, क्योंकि भोजन तो करने का मन नहीं करता है, लंच नहीं हो सकता, तो क्या करते हैं, आफ्टर दैट इसके बाद आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट आई हैव माई ब्रेकफास्ट अराउंड सेवन थर्टी, मतलब कि 7:30 तक में क्या कर लेता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, ठीक है, 7:30 ये तो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं, जितना बजे आपका है उतना बजे आप कर सकते हैं। आफ्टर तो मैंने कुछ ऐसे दे दिए हैं टाइम, आफ्टर दैट आई हैव माय ब्रेकफास्ट अराउंड 7:30, मतलब कि 7:30 के बीच में जो इतना समय हम जो है क्या कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट, या तो टेक माय ब्रेकफास्ट ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब ब्रेकफास्ट हम लोग कर लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट के बाद अपना ऑफिस रहे या तो कुछ वर्क रहे, कुछ पढ़ने जाना है या तो कुछ पढ़ाने जाना है, जो अपना वर्क रहे तो उसमें क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग रवाना होते हैं, क्या करते हैं, लीव करते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं, ठीक है। तो आई लीव होम एट 8:30 फॉर वर्क, ठीक है, आई लीव होम एट थर्टी फॉर वर्क, मतलब कि अपने काम के लिए जो है मैंने घर को कितना बजे छोड़ा, 8:30, हिंदी से समझ लीजिए 8:30 जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो 8:30 जो मैंने क्या कर दिया, घर को छोड़ दिया, किस लिए, काम के लिए, ठीक है। अब इसको जो है आप अपने हिसाब से फिर टाइम कर सकते हैं, 10 बजे छोड़ते हैं, 9 बजे छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा क्या हुआ, जो सुबह का जो मेरा रूटीन हुआ, ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो गया कि इतना बजे तक में मेरा काम के लिए। अब उसके बाद फिर जो हम ऑफिस पहुंच गए या तो स्कूल पहुंच गए, कॉलेज जो जहां भी गए, तो उसका फिर अलग रूटीन होता है, उसके लिए अलग अलग काम सबका प्रोफेशन होता है। तो इसमें भी जो है मेरा जो प्रोफेशन है उसके बारे में बताएंगे हम, किस तरह से फिर मेरा फ्रेंड मिलता है, फिर कोई अभी मिल जाता है आदमी, सब कोई स्ट्रेंजर पसंद मिल जाता है, कहीं फिर नाश्ता करते हैं या तो फिर कहीं जाते हैं आते हैं, ये बहुत सारे तरह के काम होते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, ताकि आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद हो जाए। और ये सब देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक दो बार आप उसको देखिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए आराम से, देखिएगा कंठस्थ आपको याद हो जाएगा, और एक दो बार रिपीट कीजिएगा, जब आप जैसे जगिएगा तो अपने से आपसे क्या बोलेगा, बोलने की कोशिश करें, क्योंकि आपके मोहल्ला में या तो फिर आपके घर में हो सकता है कि कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं हो, तो खुद क्या करना है, अपने से खुद मतलब बोलना है कि जैसे जगे तो अपने से बोल लेना इंग्लिश की क्या होता है इसका, जो आप पढ़े, ठीक है। तो फिर मान लीजिए नाश्ता करने गए उसके बारे में बोल लेना, स्नान करने गए फिर उसके बारे में बोलना, इस तरह से क्या करना है आपको बोलना है अपने आप से, तो देखिएगा किस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।